अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जैसे मैं मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसका वीडियो बन जाता है और मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, यूट्यूब में सेंड करता हूँ। तो मैं किस ऐप्स से मैं ये बनाता हूँ वो मैं आप उस ऐप्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो बहुत ही बेस्ट ऐप्स है, बहुत ही फर्स्ट क्लास ऐप्स है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर, डीयू रिकॉर्डर करके एक ऐप्स है, उसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ से उसको अब लोगो देख सकते हैं, इंस्टॉल करके उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी इसको ये अभी अपडेट बता रहा है, लेकिन मैं अभी इसको ऐप्स में जाके इसको ओपन करके आपको इसका फंक्शन आपको समझा देता हूँ। ओके, थोड़ा स्लो है। ओके, चलिए यहाँ पर ये देखिए, इसलिए दिखा रहा है, देखो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसी से रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्ले पॉज का स्टॉप का बटन है। यहाँ पे कुछ शॉर्टकट है कैमरा टच, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूँ इसी में ही, कि किस तरह से इसमें रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं या कैमरा वगैरह ऑन करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो ये मेरा डीयू रिकॉर्डर है, इसे मैं ओपन कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं चार ऑप्शन है। इधर राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन है, मैं अभी यहाँ पर हूँ, मैं आपको थोड़ा निशान लगा के दिखा देता हूँ, हम अभी यहाँ हैं। ठीक है, यहाँ इसका रिकॉर्डिंग का सारे फंक्शन है, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ वीडियो रिजोल्यूशन जो है, मैं 720 पे रखा हूँ, आप 1080 कर सकते हैं, लेकिन 720 बेस्ट है। ठीक है, थोड़ा कम फाइल साइज, फाइल कम बनता है, तो मैं हमेशा इसे रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद नीचे वीडियो क्वालिटी, क्वालिटी में आप ऑटो रखेंगे हमेशा, तो क्या होगा कि आपका साइज में या फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ रिकॉर्ड ऑडियो, यहाँ पे ये ऑफ है, मतलब मैं ये रिकॉर्डिंग जो कि कर रहा हूँ ये मैं अलग से रिकॉर्डिंग करके आपको मैं इसमें मिक्स किया है, इसे मैं ऑफ रखा, आप ऑन ही रखिए इसे हमेशा। ठीक है, फिर ये वीडियो लोकेशन, वीडियो लोकेशन में आप इंटरनल मेमोरी कर सकते हैं या आपका एसडी कार्ड जो है, मेमोरी कार्ड उसमें आप कर सकते हैं। ओके, तो मेरा अभी एसडी कार्ड है, ये देख सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ थोड़ी देर आएंगे देखेंगे हाइड द रिकॉर्ड विंडो वेन रिकॉर्ड, इसे आप हमेशा एक्टिव रखेंगे, क्योंकि जैसे तो ये आप जब रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा सामने आता रहेगा। ठीक है, तो ये हाइड होता है जब रिकॉर्ड, इसे यहाँ से इसको आप एक्टिव रखेंगे। ओके, उसके नीचे जा देखिए स्नेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसे हिलाने से ये इनेबल है अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ और भी सारा पढ़ के आप देख सकते हैं इनके सारे चीज़ें क्या है, और जो खास जो इसमें है कि रिकॉर्डिंग टूल्स, कैमरा रिकॉर्डिंग, आप पहले से शूट करके अगर अपन कोई वीडियो फाइल उसको एडिट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी वीडियो बना सकते हैं, इसको ऑन करके यहाँ तुरंत ऑन हो जाता है और फिर आप उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग के बारे में अभी बताऊंगा कि इसमें किस तरह से आप इसमें वीडियो को एडिट कर सकते हैं, काट सकते हैं या जोड़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ब्रश देख रहे हैं नीचे, ये ब्रश जो है ये मैं जब मैं किसी बताता हूँ, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ इस ब्रश टूल्स की वजह से। ठीक है, ये यहाँ पर लेफ्ट साइड में कुछ आइकॉन था, देखिए नीचे एक आया है, ये देखिए मैं ये जो कर रहा हूँ, और इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ये नीचे वाला ऑप्शन है, इसमें ये ग्रीन, ये ब्लू, रेड, फिर इसको मैं थोड़ा सा मोटा भी कर सकता हूँ। ओके, ये देखिए ये थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फंक्शन है, इसमें ये आप रिकॉर्ड करते समय कोई चीज़ को आपको इंडिकेट करना है, कहीं इसको दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। ये ब्रश अगर इसको ऑफ कर देंगे तो आप फिर ये नहीं आएगा। ओके, फिर से ऑन रखिए, जब जरूरत पड़े आप इसको जैसे ऑन करेंगे वैसे ये शुरू हो जाएगा। ठीक है,
फिर उसके नीचे देख सकते हैं जीआईएफ रिकॉर्डर। जीआईएफ रिकॉर्डर होता है कि जैसे 10-12 सेकंड का कोई वीडियो होता है, बार बार रिपीटेड चलता है जीआईएफ फाइल, आप व्हाट्सएप में या किसी में आपको भेजते रहते हैं कोई, आप भी देखते हैं तो वो भी हम इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और एक खास जो चीज़ है शो टच, अभी मैं जहाँ टच कर रहा हूँ आपको वहाँ पर एक डॉट दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये जो है ये क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसको मैंने ऑन कर रखा है, क्योंकि आप जब भी ये वीडियो को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ मैं टच कर रहा हूँ, ओके। इसलिए इसको एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नीचे इसकी लैंग्वेज वगैरह वर्जन वगैरह आप इसको पीछे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और, ठीक है। ये ऑप्शन वाटर मार्क है, यहाँ पे जैसे ड्यू रिकॉर्डर करके जो लिखा आता था नीचे पहले वीडियो में आप देखा होगा, अभी मैंने ऑफ किया है तो वो नहीं आ रहा, इनेबल कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ दूसरे ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे कैमरा वाला कोई फोटो है, यहाँ पे वीडियो कोई है तो वो सब दिखाता रहेगा, ठीक है। यहाँ उसके अंदर ही तो यहाँ मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे एडिट वीडियो पहला जो ऑप्शन है इसमें एडिटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो एडिटिंग में बहुत सारा ऑप्शन है, मैं एक जो जरूरी होता है जो बहुत ही तो आपको बहुत ज़रूरी है उसको आप काम पे लगा सकते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से एडिट वीडियो में जाके मैं कोई वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये लोडिंग हो रहा है, अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, ये डन, ठीक है। अब इस वीडियो को पहला ऑप्शन देखिए ट्रिम लिखा है, ट्रिम का मतलब है कुछ वीडियो को कितना भी साइज में मैं इसको छोटा बड़ा करके 10 सेकंड का, 12 सेकंड का, 13 सेकंड का मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इतना छोटा मैं अपना ले लेता हूँ और मैं इसको सेव करके बताता हूँ आपको कैसे सेव होगा, प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि कितना छोटा बन गया है, प्ले करके दिखा देगा कितना छोटा ये बना हुआ, ठीक है। इस तरह से ये रोटेशन थोड़ा गड़बड़ी है, ठीक है। तो यह आप देख लें इतना, आप फिर सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर इसको चेंज कर सकते हैं, प्रीव्यू कर करके देख के आप चेक करके उसको उसी हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। और जहाँ आपको चला गया, हाँ यहाँ आपको चाहिए इतना चाहिए, आप फिर सेव कर लीजिए, तो 0 से लेकर 100% तक ये जब हो जाएगा ये आपके उस फाइल को ये सेव कर लेगा, ठीक है। और सेव करते ही ये बता देगा सेव हो चुका, ठीक है। फिर आप उस सेव फाइल में जाएंगे और जाके यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आप इसको शेयर भी कर सकते हैं इसी से ही, इसी ऐप से आप इसको यूट्यूब में या व्हाट्सएप में मेल थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू कैसे भी करके आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको प्ले करूँगा, ठीक है। ये देखिए वो 9 सेकेंड या 10 सेकेंड का लगभग ये जो है वीडियो बन चुका है, और ये देख सकते हैं ये इतना ही बना है, ये एक मोबाइल का रेडिएशन का इफेक्ट के ऊपर था, ठीक है। या मर्ज है कि 2-3 वीडियो एक स्टेप जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए ऑप्शन है, ठीक। फिर यहाँ पे वाईफाई ट्रांसफर है, फिर यहाँ पे सच स्विच इमेजेज है ना, यहाँ पे ऑल इमेजेस में जाके इसको देख सकते हैं आप, ये इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉर्पिंग ऑप्शन पे जाके। तो यहाँ मैं इसको कॉर्प में बता इसलिए रहा हूँ कि कॉर्प बहुत ज़रूरी होता है, जैसे ये एक इमेजेस है, ठीक है, इसमें एक फ़ोटो दिखाई दे रहा है आपको। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ोटो को सिर्फ फ़ोटो को मतलब यहाँ से ब्लर कर देते हैं, जैसे यह ब्लर ऑप्शन पे, या सॉरी यहाँ ब्लर ऑप्शन है जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, सेकेंड वाला कॉर्प है। तो जितना हिस्सा आपको ब्लर करना है, जैसे यहाँ पे यहाँ से वो ब्रश भी ले सकते हैं, क्रॉस लगा सकते हैं, या इंडिकेटर कर सकते हैं, तो आप ब्लर कर सकते हैं, मतलब वो धुंधला धुंधला सा जैसे बनाते हैं ना, वो दिखेगा नहीं। तो ये आपके वीडियो में ये बना के जो हिस्सा आप दिखाना नहीं चाहते है ना, सीक्रेट रखना चाहते हैं, यहाँ से आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्रॉप कैसे करते हैं, ठीक है, इसको डिसमिस करते हैं। अभी क्रॉप में जाता हूँ, गेंद वाला ये सूची में से, ये तो आप छोटा बड़ा मतलब 2-4 इमेज को इकट्ठे करके आप एक भी बड़ा इमेज बना सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कॉर्प में, कॉर्प में मैं एक वही इमेज को मैं वही इसको सिलेक्ट करता हूँ उसी फाइल को, और देखिए ये कॉर्प में वो पर्टिकुलर फ़ोटो को मैं सेव करना चाहता हूँ पूरे इमेज में से, तो उस फोटो के ऊपर ले जाएंगे और अपने टच से इसको अपने हिसाब से जितना आपको लेना है, ठीक है, थोड़ा कलाकारी चाहिए यहाँ पे, और ये हिस्सा मैं सेव करना चाहता हूँ तो फिर मुझे सेव करना पड़ेगा, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ इसको, ओके। आप तो सेव करके आपको दिखाता हूँ कि ये सिर्फ एक फ़ोटो में ये बदल चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी हिस्से को कैसे भी सेव शेयर मतलब इसको सेव करके भी शेयर भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आप इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। यहाँ जब इसको खींचेंगे नीचे तो यहाँ देखिए स्टॉप का ऑप्शन आता है, यहाँ से स्टॉप कर देंगे तो फाइल सेव हो जाएगा, ओके। इसी से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर आपके सामने आएंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।